बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, तक टेक्निकल की तरफ से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको मैं कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर में किस तरह से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि कंप्यूटर के आपके कंप्यूटर में जो जो रैम और हार्ड डिस्क वगैरह कितनी है कि आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आपको मालूम होगा कि इसमें आपको मैं एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि आप पूरी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप ये वीडियो मेरे एंड तक देखें क्योंकि इसमें आपको एक मैं नया तरीका बताऊंगा जो आपको शायद मालूम ना हो कि आपको करना क्या है। एक कंप्यूटर में माय कंप्यूटर में जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक करते हैं। ये तरीका होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये तरीका, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों कि आप दे सकते हैं सिस्टम टाइप। तो यहाँ तक इसने बताया है, मगर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, मैं इसके आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला स्टेप जो है मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ से आपको लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके विंडो में यहाँ से जाके आपको यहाँ को यहाँ पर लिखना है रन। यहाँ से आपको जाके लिखना है रन और यहाँ से इसको इंटर कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिखना है MSINFO32। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये लिखना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। और इसके बाद आप ये देखें, यह है इसकी पूरी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं OS माइक्रो विंडो 7 प्रोफेशनल, ये आप खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये स्टेप तो ये हो गया, और दूसरा स्टेप आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ से आपको लिखना है DXPIAG। ये आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आप ये दे सकते हैं। एक स्टेप ये है कि आप यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यहाँ से कहीं भी अपना मिसाल के तौर पर मैं आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल में आपको यहाँ से डालना है। अब यहाँ से मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। और यहाँ से इसको चेक कर लेता, ये देखिए दोस्तों यहाँ से इसको अपनी पूरी मोबाइल की इंफॉर्मेशन आ चुकी है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये देखें, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं आसानी और यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं ताकि दोस्तों को आप दिखा सकें, किसी भी कंप्यूटर पर आपको चेक कर सकते हैं यहाँ से, और पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जी फ्रेंड, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं वीडियो किस तरह से बना रहा हूं और मुझे आगे क्या वीडियो में करना चाहिए। आप मेरे यहाँ से चैनल से कब सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और आगे मैं आपको मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग।